Comrade and friends, today, आज के फेसबुक में मुझे बुलाया गया है कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसका इम्पैक्ट हायर एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से हो रहा है, इसका किस तरह से इसको मुकाबला कर सकता है, ये बारे में महाराष्ट्र को रेफरेंस लेके मैं जो जानकारी मेरा है वो आपके सामने उपस्थापना करना चाहता है। कॉमरेड्स, पूरा दुनिया के लिए इतना बड़ा संकट 100 वर्ष में हुआ नहीं है, 100 वर्ष में ऐसा दिन आया नहीं है कि कोई रोज ही दिन 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000 के ऊपर लोग मरे जाते हैं एक वायरस का कारण में जिसका नाम है कोविड-19। पहले इसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं था लोगों का कि वायरस कहाँ है, किधर से आया है, कैसा है इसका स्प्रेड, कैसा इसको रोक लगाना पॉसिबल है कि नहीं है। पूरा वर्ल्ड में ये वायरस का वजह से 17 मिलियन पीपल 15.7 एक्चुअल नंबर अफेक्ट हो गया। इतना लोग खाली एक प्लेग जो भी हुआ था 14 सेंचुरी में, प्लेग में कितना लोग अफेक्ट हुआ था अपने को स्टैटिस्टिक्स डेटा तो अभी नहीं था, लेकिन बहुत लोग अफेक्ट हुआ था वर्ल्ड में ऐसा अपने को जानकारी है। इसके बाद में कुछ 1817 में जो स्पेनिश फ्लू आया था, उस स्पेनिश फ्लू में भी बहुत लोगों का इफेक्ट हुआ था, बहुत लोग मरे गया था, उसमें 15 से 50 मिलियन लोग का डेथ हुआ था स्पेनिश फ्लू में, ऐसा बोला जाता है। कॉम्रेड्स, स्पेनिश फ्लू के बाद वर्ल्ड वाइड ऐसा एपिडेमिक कभी हुआ नहीं है। अभी जो कोरोना वायरस ने जो दिखाया, ये देखिए जो आपने को मैं आपको जो बोला है कि जो 16 मिलियन का करीब में लोग इसमें अफेक्ट हो गया, खाली अमेरिका में 4.2 मिलियन लोग अफेक्ट है। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा शक्ति, इतना फैसिलिटी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी लोगों को बचाने के लिए, ये रोग, ये बीमारी को रुकाने के लिए उनके हाथ में कोई ज़्यादा शक्ति दिखाई नहीं पड़ा है। फ्रेंड्स, एक्चुअली आप लोगों को पता है तो भी आप लोगों को मेरे को बोलने की इच्छा होते है कि ये बीमारी का पहला जो सूचना हुआ था वो हुआ था चाइना में, मिडिल चाइना में, हुबाई प्रोविंस में, उसका कैपिटल है वुहान। वुहान का नाम तो सभी लोगों को मालूम पड़ गया, लेकिन वुहान के बाजू से यांगसी रिवर फ्लो होके जा रहा है। चाइना में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, शंघाई में हुआ, शंघाई भी यांगसी नदी का माउथ में है और मिडिल में है वुहान और एकदम नॉर्थ में है चोंगचिंग। वो प्लान में, देंगशियापेंग का प्लान में यांगसी रिवर का तीन शहर को, साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ, ये तीन शहर को ओपन किया गया था। वो करने का बाद वुहान में बहुत इंडस्ट्री, कंप्यूटर बेस्ड इंडस्ट्री, कार बेस्ड इंडस्ट्री, गारमेंट बेस्ड इंडस्ट्री बहुत प्रसार हो गया था। एंड वो प्रसार होने में बाहर का लोगों का आना जाना भी बहुत बढ़ गया था वुहान में, मेनली इटाली के साथ उनके बिजनेस जोरदार चलते थे। वहाँ का चाइना का लेस, चाइना का सिल्क, चाइना का गारमेंट इटाली का बाजार में बहुत पसंद से चलते थे। तो इटाली और चाइना आना जाना खूब ही स्वाभाविक तरीका से चलते थे। वहाँ में जब ये कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ, तभी पहले ये समझ में नहीं आया कि वायरस स्प्रेड कैसे होएगा, तभी थोड़ा थोड़ा करके लोग इटाली में गया है, जो गया है वो वायरस लेके गया है। कोरोना का स्पेशलिटी ये है कि ये कैरी होते हैं, लोग इंसान से कैरीड होते हैं, ये हवा से नहीं इतना कैरीड होता है बोल के अभी तक प्रूफ नहीं हुआ,
लेकिन स्पर्श और टच में होते हैं, सांस में होते हैं, तो लोगों के कांटेक्ट में आएगा, जिनके पास ये वायरस है वो दूसरे को अफेक्ट करेगा। तो इटली में जब भी गया वहाँ में तो चाइना सरकार उनके जितना शक्ति है सबसे उसको रुकाने को कोशिश किया, पूरा शहर को फेंसिंग कर दिया, पूरा सब हॉस्पिटल को हताबे में ले लिया, वो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना वेंटिलेटर चाहिए वो दिया है, लोगों को कड़ा खात में डिसिप्लिन रखा है, धीरे धीरे करके वहाँ में वो कम होते जा रहा है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना वायरस ख़त्म इतना जल्दी नहीं होती है, वहाँ से वो अभी बीजिंग में गया है, बट वहाँ में वो कंट्रोल में आया था, एफिशिएंट कंट्रोल चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए लोगों ने उनको बहुत बधाई भी दिया कि ये वायरस कैसे स्प्रेड हुआ, तुम ही स्प्रेड किया है और तुम ही उसको कंट्रोल करने का रास्ता दिखाया है। लेकिन फ्रेंड्स, जब ये इटली में लोग आना जाना किया तभी इटली नॉर्थ में एकदम फैला गया ये डिजीज़, हजारों हजारों लोग इटली का इसमें अफेक्ट हो गया, जो वो चाइनीज कांटेक्ट में था, जो बिजनेस कांटेक्ट में था। एंड इटली में होने का बाद बहुत लोग, इटली लॉकडाउन हो गया, वहाँ तो पहले लॉकडाउन कर दिया था चाइना, फिर लॉकडाउन ओपन भी किया, लेकिन इटली के बाद उसका सामने का छोटा देश स्पेन, उसमें वो वायरस स्प्रेड हो गया। लोगों का आना जाना पहले रुकाने का कोई रास्ता नहीं था, जानकारी नहीं था, तो स्पेन में इतना लोगों का डेथ हुआ, इतना लोगों का इफेक्ट हुआ, इतना दिन से स्पेन छोटा कंट्री है जिसका मूल अर्थनीतिक जो काम है वो है टूरिज्म, बाहर का लोग उधर नहीं आएगा तो उनका साल का जीडीपी का जो इनकम टूरिज्म से होते हैं वो नहीं होएगा, तो स्पेन में इतना दिन बंद पड़ा, इकोनॉमी धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, प्रोडक्शन बंद है, सर्विस सेक्टर बंद है। इटली में भी ऐसा सिचुएशन हुआ है, स्पेन में इससे भी ज़्यादा हुआ है। इटली स्पेन के बाद जर्मनी में स्प्रेड हुआ, ग्रेट ब्रिटेन में स्प्रेड हुआ, बाद में रशिया में फैला गया है। ये यूरोपियन हिस्ट्री का मैं बोलती हूँ स्पेशल पैटर्न ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस स्पेस में किस तरह से घुमा है, यूरोप में ऐसा घुमा है। कॉमरेड्स, अमेरिका में कभी इतना बड़ा एपिडेमिक हुआ नहीं है। अमेरिका एक प्रोटेक्टेड कंट्री है, एक बाजू में उसका अटलांटिक है, एक बाजू में उसको पैसिफिक है, तो दोनों जगह में वो अपने को प्रोटेक्शन कर लेता है, वार भी होएगा तो वो प्रोटेक्शन में रहते हैं। लेकिन ये जो कोरोना वायरस, अमेरिकन जो अभी का जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ट्रम्प, जिनके ईगो बहुत बड़ा है, इतना कॉन्फिडेंटली प्रेसिडेंट ने बोला था कि ये वायरस अमेरिका में आएगा नहीं, अटलांटिक क्रॉस ही नहीं करेगा। लेकिन वायरस तो ऐसा क्रॉस नहीं होता है, लोगों के साथ साथ क्रॉस हो गया, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में लोग उतर गया, वायरस भी उनके साथ उतर गया, न्यूयॉर्क शहर में इतना स्प्रेड हो गया कि न्यूयॉर्क का मेयर ऑलमोस्ट ऑन टीयर्स एवरी डे, रोज वो आता था टीवी में ये बोलने के लिए क्या करेगा, कैसा करेगा, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर दो, इंडिया को भी बोला तुम भेजो वेंटिलेटर, भेजो कुछ मेडिसिन, भेजो सिंपल मेडिसिन, क्योंकि ये बीमारी का कोई ट्रीटमेंट बोल के कुछ नहीं है। कोई बोलता है एरिथ्रोसिन दो, कोई बोलता है कोई मलेरिया का दवा दो, लेकिन जिसमें जिसका काम होते हैं वो क्योर होते हैं, जिसको नहीं होता है उसको लंग्स बढ़ जाता है एंड चार पाँच दिन में वो फायर हो जाता है लंग्स। कॉमरेड, ये बहुत दुख का बात है, इससे बड़ा दुख जी आज का दुनिया में खड़ा होके लोगों का मिनिमम रिक्वायर्ड दवा नहीं मिलता है क्योंकि हाई नहीं। ये वायरस दिखाया कि ह्यूमन कैपेबिलिटी, अपने को शक्ति कितना लिमिटेड है, ये लिमिटेड शक्ति में ये न्यूयॉर्क न्यूजर्सी में हुआ, बाद में वो टेक्सास में गया, कैलिफोर्निया में हजार हजार लोग अफेक्ट हो गया, टेक्सास में हुआ, फ्लोरिडा में हुआ, देन वो लैटिन अमेरिका में चले गया। ब्राज़ील में मुझे लगता है हर फैमिली में लोग कोरोना में अफेक्ट है। ब्राज़ील का प्रेसिडेंट भी बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी होने में कुछ भी नहीं होते हैं, बड़े बात में कोरोना वायरस को अरेस्ट नहीं कर सकता है। ब्राज़ील में गया, अर्जेंटीना में गया, पेरू में गया, लेकिन ब्राज़ील इज वर्स्ट अफेक्टेड। ये सब लेके पूरा दुनिया में जो नंबर आपको मैं बोला है
कि 15.7 की 16 मिलियन लोग अफेक्टेड कोरोना वायरस में हुआ गया है। इंडिया तो इसका बाहर नहीं पड़ा है, इंडिया में भी फैला गया है। और हम इंडिया का एक स्टेट के ऊपर बात करना चाहते हैं, महाराष्ट्र स्टेट। कॉमरेड, इंडिया में ये वायरस पहला स्प्रेड हुआ केरला में। कोई बाहर का लोग, बाहर का लोग नहीं है, बाहर से केरला का लोग आए थे। केरला का अंदर में वो घुसा है, घुसने के बाद बुखार आया, काशी आया, देन लंग्स भर गया, कोरोना वायरस का डिटेक्ट हुआ। लेकिन केरला सरकार भी जिस तरह से उसको हैंडल किया, पहले बात यह है कि कोई भी आदमी कहाँ से भी आया है, वो किसके किसके साथ मिला है, वो आइडेंटिफाई करने का। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि हमारा कंट्री में लोग कहाँ भी घूमते हैं, गांव में गया, एक गांव से वो गाँव, वो साहब की साइकिल लेके चले गया, कोई मोटरसाइकिल लेके घूम घाम के आया है, बीच में 50 लोगों को मिल के आता है, तो तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किससे वो हाथ मिलाया, क्योंकि उसका हाथ से कोरोना पास हो जाएगा। हाथ का ऊपर बहुत बड़ा अटेंशन है, बार बार बोला जाता है टीवी में, रेडियो में, व्हाट्सएप में कि हाथ धोते जाओ, हाथ धोते जाओ, मुंह धोते जाओ, कवर रखो, मास्क डालो, क्योंकि वायरस तुम्हारा मुंह का अंदर से जाके गले में सेटल होते हैं, दो तीन दिन बाद में वो स्प्रेड होता है। ऐसा सुन सुन के हमको हमेशा लगता है कि सभी तो मालूम है, तो भी हम लोग पूरा पूरी मानते नहीं है कि जो करना नहीं चाहिए वो करना सबके लिए खतरनाक है। तो केरला में बहुत अच्छी तरह से लॉकडाउन कर दिया, सब स्कूल कॉलेज, पहले बचाना है यंगर जेनरेशन को, बच्चे को। इसका मतलब ये नहीं है कि बूढ़ा लोग सब मर जाए, लेकिन जिनके जान का को बचा के रखेगा, ह्यूमन रिसोर्स में ऐड होएगा, उसको तो बचाना ही चाहिए। सब स्कूल कॉलेज लॉकडाउन हो गया, स्कूल का बच्चे का घर में मिड डे मील पहुँचाया केरला गवर्नमेंट ने, कि वो भूखा ना रहे, क्योंकि वो तो स्कूल में बहुत बच्चे आते हैं मिड डे मील के लिए। ऐसा कर करके केरला ने बहुत प्रचेष्टा लेके, बहुत अटेम्प्ट लेके कोरोना को कंट्रोल में लेके आया, एंड कोरोना का डेथ रेट फॉल हो गया। सब बधाई दिया केरला को, केरला मॉडल, केरला का चीफ मिनिस्टर को, सभी चीफ मिनिस्टर, कोई पॉलिटिकल लाइन का नहीं, कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन बधाई दिया है कि तुमने कॉमरेड विजयन ठीक काम किया है, जिस तरह से किया है। लेकिन केरला में वो रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं रहा, जो भी वो महाराष्ट्र में घुसा, दिल्ली में घुसा है, बंगाल में घुसा है, तमिलनाडु में घुसा है, कर्नाटक में घुसा है। महाराष्ट्र बहुत सबसे बड़ा अफेक्टेड स्टेट है इंडिया में। आज महाराष्ट्र को किसी तरह से संभाल नहीं सकता है, महाराष्ट्र सरकार भी नहीं सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं सकता है। लोग भी बहुत हैरान है कि नंबर बढ़ती जा रहा है, कोरोना कितना इफेक्ट हो गया। कॉमरेड, लॉकडाउन तो हो गया महाराष्ट्र में, पूरा इंडिया में, फिर पूरा इंडिया में मार्च का सेकेंड वीक के बाद से लॉकडाउन हो गया, बंद है सब कुछ, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, ऑफिस बंद है, फैक्ट्री बंद है, सर्विस सेक्टर बंद है, ट्रेन बंद है, बस बंद है, ऑटो रिक्शा बंद है, बंद ही बंद है, लॉकडाउन है। लोग जानता नहीं था व्हाट इज लॉकडाउन, हम सीखते ही जाता है ना लॉकडाउन क्या है। बम्बई में लॉकडाउन तो एक भी कोई सपनों में भी सोचा नहीं है कि बम्बई में कभी लॉकडाउन हो सकता है। आज बम्बई में रायट हुआ, एक दिन छोड़ के दूसरा दिन तीसरा दिन ट्रेन में लोग काम पे जाना शुरू करता है। आज फ्लड आ गया, फ्लड में पानी भर गया बम्बई का सब रास्ता, नदी जैसा बह जाता है। काल का दिन गया, एक दिन गया, परसों दिन से फिर लोग काम पे जाना शुरू करते हैं। ये मुंबई लोगों के लिए कामयाब का जगह है, जिधर में कोई घर पे नहीं बैठता है। एक दिन स्ट्राइक हुआ, दूसरा दिन रास्ता में डबल लोग काम पे चले जाएगा। लेकिन लॉकडाउन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कोरोना वायरस लोगों को घर पे बिठाने का आदेश दिया है, एंड वो आदेश बम्बई में पालन भी किया है, महाराष्ट्र का बाकी जगह में भी वो बहुत कुछ तरीका से वो चल रहा है। ये लॉकडाउन जब महाराष्ट्र में हुआ है, पूरा चित्र, द सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन, राजनैतिक जीवन, अर्थनैतिक जीवन,
कर्म जीवन सब कुछ स्टॉप हो गया। फ्रेंड्स, जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारा स्वाभाविक रोज चलते हैं, उसमें हमें मालूम है पहले हम बच्चे का आवाज़ आता है कान पे, बच्चे तैयार होते हैं स्कूल जाना है, बाद में 7 बजे का करीब में वो गेट के सामने आ जाता है, उसको बैग है, उसको वाटर बॉटल है, उसको बोर्ड है, उसको सब कुछ है स्कूल का, एंड उसको बातें भी चलते रहते हैं। स्कूल का बस आएगा, बच्चे स्कूल बस भर के स्कूल में चले जाएगा, जो स्कूल बस में नहीं जाएगा, जो म्यूनिसिपल स्कूल का स्टूडेंट है वो ट्रेन में जाएगा, इकट्ठा होके 4 जोन 5 जोन 6 जोन यूनिफॉर्म डाल के, किसी का ब्लू, किसी का ब्राउन, किसी का ग्रीन, किसी का रेड, क्योंकि हम भी सुबह जाता था कॉलेज में लेक्चर लेने के लिए, ये सब बच्चा अपने साथ ही ट्रेन में जाते थे, अपना अपना स्टेशन में उतर जाते थे, स्कूल में चले जाते थे। स्कूल का अंगना में 8 बजे से एकदम छोटा छोटा मानूस, जो आगामी दिन में जो बड़ा मानूस करके बनेगा, भर जाता था वो, उसका बातें में, उसका प्रेयर में, उसको सब कुछ में स्कूल शुरू हो जाते थे। वही बच्चे बड़ा होते हैं तब वो कॉलेज में चले जाते हैं, 7 बजे का बाद 8 बजे तक तो कॉलेज में लेक्चर शुरू हो जाता है, आर्ट्स में शुरू होता है, कॉमर्स में शुरू होता है, साइंस में प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है, सब जगह में स्टूडेंट्स उतर जाते हैं, टीचर भी उसके साथ रेशियो में उतर जाते हैं, अपने अपने कॉलेज में जाते हैं। जैसा होते हैं, जैसा अपने को लगता है कि लाइफ इज वाइब्रेशन, लाइफ का जो वाइब्रेशन होते हैं वो वाइब्रेशन कॉलेज स्कूल का आंगिना में तुम जाओगे, तुम चर्चगेट स्टेशन के सामने जाओगे तो जय हिंद कॉलेज का बच्चे को देखते रहेगा, जय हिंद के बाजू से तुम उधर चौपाटी में जाओगे तो विल्सन का बच्चा खड़ा है, नहीं तो सोफाया का बच्चा खड़ा है, वो बाजू में भीटी में जाओगे तो सेंट जेवियर्स का बच्चा खड़ा है, बच्चे तो बच्चे ही है, क्योंकि वो लोग सभी जगह में एक ही तरीका से बात करते हैं, एक ही तरीका से मिलते जुलते हैं, एंड वो अपने को सीखने का पद्धति में लेके आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, लॉकडाउन हो गया तो सब अंधेरा हो गया, एक एक स्कूल कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर हो गया, उसमें कोरोना पेशेंट रखा है, कोरोना का जो सस्पेक्टेड लोग है उनको जगह मिलता नहीं है हॉस्पिटल में, उनको रखा है। फ्रेंड, इसका बीच में एक नया चीज़ हुआ है जिसके बारे में हमको पूरा जानकारी नहीं था, हमको नहीं, सरकार को भी नहीं था। एक है कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट में कितना लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम करने को आता है, जो स्टेट में काम मिलता नहीं है वो स्टेट में, जो स्टेट में थोड़ा बहुत काम मिलते हैं उधर आते हैं, ये टर्शियरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में होते हैं, मेनली कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। एक एक बिल्डिंग बनते हैं, 2 बरस 3 बरस 5 बरस वो आते हैं, उधर ही रहते हैं, टेम्पोररी शेल्टर बनाते हैं, फैमिली भी रहते हैं, एंड उसको बाद में चले जाता है दूसरा जगह में। बंगाल का वर्कर महाराष्ट्र में आते हैं, केरला में जाते हैं, यूपी का वर्कर महाराष्ट्र में आता है, बिहार उड़ीसा का लोग महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरला में जाते हैं, क्योंकि उनको डेली मजूरी पे उनका जीवन चलते हैं, उसको फैमिली चलते हैं, उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ने को चले जाता है, उसको बड़ा होकर जब वो गाँव में जाता है तभी वो हिंदी में बात करता है, अपना भाषा उसको सीखने को नहीं होते हैं क्योंकि वो दूसरे जगह में है। इसको बोला गया है परजाई श्रमिक, माइग्रेटेड लेबर। कितना माइग्रेटेड लेबर है किसी को जानकारी नहीं था। कोरोना होने का बाद सब काम लॉकडाउन हो गया, कंस्ट्रक्शन बंद हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, ट्रेन नहीं बस बंद हो गया, प्राइवेट गाड़ी बंद हो गया, ये सब लोग एक जगह में हो गया, काम नहीं है, अभी उनको घर भी जाना पॉसिबल नहीं है। ये जो सिचुएशन हुआ, मुझे लगता है ये सिचुएशन कभी हुआ नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। पहला लॉकडाउन का पहले जानकारी लेना चाहिए कि फ्लोटिंग लोग कितना है, फ्लोटिंग लोगों का पहले घर भेजने का बंदोबस्त होना चाहिए, बाद में उनको तुम लॉकडाउन कर दो। लेकिन हमारा सरकार बहुत तुरंत गति में डिसीजन लेते हैं, इतना तुरंत है कि रात को 12 बजे डिसीजन लेते हैं कि कल से नोटबंदी हो जाएगा, ऐसा ही लॉकडाउन हो गया कि कल से परसों से सब कुछ बंद पड़ेगा। ये परजाई श्रमिक किधर जाएगा, ये माइग्रेटेड लेबर सब स्टेशन स्टेशन में
बैठा रहा, सरकार से बात करके करके सब ट्रेड यूनियन उतर गया कि उनको राशन दो, उसको खाना दो, उसको पानी दो, ये लोग सब बोलो बचेगा नहीं इस सिचुएशन में रहेगा तो। ऐसा करके डेढ़ दो महीना और जय श्रमिक स्कूल कॉलेज में रखा है, वॉलंटियर ने जो सर्विस दिया है, डॉक्टर ने जो सर्विस दिया है, नर्सेस जो सर्विस दिया है, आशा वर्कर ने जो सर्विस दिया है, कभी कोई भूलेगा नहीं कि इन लोगों को बीमार में और कैसा बाजू में खड़ा हुआ है। बाद में एक टाइम पे बाद में कोई ट्रेन दो एक चालू हुआ और माइग्रेटरी लेबर परजाई श्रमिक अपना अपना गांव में गया, उधर भी जाके उसको हैरेसमेंट ही हुआ। कंट्री तो एक ही है ना कि तुम कोरोना है कि नॉन कोरोना है, वो जानेगा कैसे? उसको टेस्ट होएगा तब तो जानकारी लेगा कि वो कोरोना है कि उसको नहीं है। बहुत लोगों को कोरोना था, वो स्प्रेड हो गया, जिसको नहीं था वो गांव में रहा, उसको काम काज के लिए कुछ संधि मिला है तो उसने किया है, नहीं किया है तो बैठा है। चल के पड़ जाए श्रमिक अपना शहर से, बम्बई शहर से अपना गांव में जाने को कोशिश किया, 2000 किलोमीटर घर के सामने पहुंचा है और गिर गया एंड उसका जान चले गया। वो बोल के गया कम से कम माँ बाप के सामने जाएंगे, कुछ तो करेगा, कुछ तो कर नहीं पाया माँ बाप, तूने चल के पहुंचा। इंसान का जो ये जो दुर्दय है, द सफरिंग्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इंसान का ये जो भोग, ये जो तकलीफ, ये तकलीफ आज का दिन में, आज का सिविलाइजेशन का स्टैंडर्ड में होना नहीं चाहिए। इसके लिए प्लान होना चाहिए, ये प्लान का अनुसार में अपने को धीरे धीरे करके काम बढ़ाना चाहिए। कॉमरेड्स, अभी ये सब लॉकडाउन हो जाने का बाद पूरा रास्ता सामसूम हो गया, कोई रास्ता में कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, सब घर में जाओ, शांति रखो, घर में जाओ। कोरोना वायरस को अरेस्ट करने का एक ही तरीका है कि तुम बाहर मत आओ, तुमको अभी घर का अंदर में ही रहना पड़ेगा। कोशिश कर किया है लोग, दो महीना तीन महीना, अभी थोड़ा थोड़ा करके काम जाना है। ये एक डबल एज, दोनों बाजू में उसका शार्पनेस है शॉट का। एक बाजू में बोलता है तुम घर में रहो, नहीं घर में रहेगा तो वायरस तुमको अटैक करेगा, वायरस अटैक में तुमको कोई आशा नहीं है कि तुम जीवंत रहेगा कि नहीं रहेगा। दूसरा एक बात है, तुम काम नहीं करोगे, तुमको डेली वर्कर है, तुमको खाने को पैसा कौन देगा? बहुत लोगों ने डिमांड किया कि सरकार तुम उनको कुछ पैसा दो हाथ में, सरकार पैसा दे नहीं पाया है। सरकार ने कुछ राशन दिया है, एक महीना दिया है, दो महीना दिया है, बाद में राशन बंद हो गया है तो उनको खाना भी नहीं है, उनको घर में बैठा है क्योंकि उसका इनकम भी नहीं है। ये सब लेके लोग बाहर पड़ना धीरे धीरे शुरू किया है। ये है कोरोना वायरस का लॉकडाउन का जेनरल इम्पैक्ट, बट जेनरल इम्पैक्ट इज नॉट द ओनली इम्पैक्ट। देखिए इतना बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन, इतना भयंकर रिसेशन बहुत दिन हुआ नहीं है। हुआ था 30s में रिसेशन, लेकिन अभी जो रिसेशन हुआ है, एक एक स्टेप करके करके GDP नीचे आके माइनस हो गया और भी नीचे जाएगा, ये अपना कंट्री का बात है। दूसरे कंट्री में भी वही चल रहा है, लेकिन उनके स्टैंडर्ड में अपना स्टैंडर्ड में फर्क है, तो उनको जो जगह में वो था वो जगह से वो धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है, अभी कोशिश करते हैं किस तरह से ऊपर आ सकता है। अभी महाराष्ट्र का बात बोलने का आया, महाराष्ट्र में मुख्य सवाल है आज का, महाराष्ट्र में क्या है महाराष्ट्र स्टेट जिसमें इतना कोरोना फैला गया? ये स्टेट बहुत बड़ा है, इंडिया में कोस्ट से एकदम सेंट्रल तक स्टेट का बाउंड्री पहुंचा है, बम्बई से नागपुर तक उसका रेलवे लाइन जाएगा तो महाराष्ट्र का मझला रास्ता पे आधा आधा हो जाएगा। लेकिन इसमें 112 मिलियन पॉपुलेशन है, 112 मिलियन पॉपुलेशन महाराष्ट्र में है, जो पॉपुलेशन का 42% शहरी भाग में रहते हैं और 23% स्लाम झोपड़पट्टी में रहते हैं, पूरा स्टेट लेके, स्टेट का डेटा लेके। और भी ज़्यादा था, अभी धीरे धीरे करके थोड़ा कम हुआ क्योंकि कुछ कुछ काम हो रहा है, कुछ में स्लाम को डिमोलिश हो जाता है, नॉट दैट जो लोग को बड़ा घर मिल गया, लेकिन वो स्लाम आगे का नहीं है।
उसको रिहैबिलिटेशन स्कीम में गया है। अभी देखिए ये जो पॉपुलेशन 112 मिलियन है उसमें 15 से 25 साल का जो लड़का है, जो नौजवान है, वो कितना है? वो 25 लाख है, 25 मिलियन है। ये 25 मिलियन पॉपुलेशन है रिसोर्स महाराष्ट्र का, क्योंकि ये लोग सब जगह में काम कर सकता है। वो मोबिलिटी है, उसको इंटेलिजेंस है, उसको स्ट्रेंथ है, उसको एनर्जी है, उसको लेके सब कहाँ जगह में भेजने का, अपना कंट्री में भी काम करने के लिए उसको हिम्मत है। लेकिन अभी ये लोग ही अपना हायर एजुकेशन का स्टूडेंट है, ये लोग ही अपने को हायर एजुकेशन लेके देश में, विदेश में, ह्यूमन रिसोर्स में फैला जाते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा खतरा उनको है, क्योंकि महाराष्ट्र ऐसा एक स्टेट है जो स्टेट में एजुकेशन बहुत पहले ही स्प्रेड हुआ। 1857 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी कलकत्ता मद्रास के साथ एस्टेब्लिश हुआ। आज भी बॉम्बे यूनिवर्सिटी इंडिया का एक सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, उसका स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है, उसको सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा है, उसको कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा है। इसको एग्जामिनेशन सिस्टम में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो गया है जो सक्सेस है। इससे बच्चा बाहर पढ़ते है पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम से, तो बच्चे कॉम्पिटेटिव हो जाता है, दुनिया में कहाँ भी जाते हैं उनको मान लेते हैं बॉम्बे में। तो ये महाराष्ट्र में जो लोग है, इतना लोग है, ये लोगों का जो आगे बढ़ने का रास्ता है उसमें इंडस्ट्री था, सर्विस सेक्टर था, ये सब उधर में काम चलते थे बराबर। लेकिन फ्रेंड्स, कोरोना होने का बाद सिचुएशन महाराष्ट्र में भी ऐसा हो गया कि लोग जा नहीं पाता हायर एजुकेशन में। जो बात मैं बोलना चाहता है, हायर एजुकेशन में ये टाइम पे पूरा कॉलेज बंद पड़ा है, अंधेरा है। ये जो 15 से 25 तक जो बच्चे है, जिसके सामने एक ब्राइट फ्यूचर, एक उज्जवल भविष्य होना चाहिए, उसमें अंधेरा पड़ गया है, क्योंकि क्लास नहीं होते हैं। मार्च महीना से सेकेंड वीक से उसमें लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन होने में कोई कॉलेज जा नहीं सकता है। बहुत बच्चे आए जो कॉलेज में ही पढ़ते आए। फ्रेंड्स, ये जो हायर एजुकेशन बिल्टअप हुआ इंडिया में, महाराष्ट्र में भी, बंगाल में भी, ये पोस्ट इंडिपेंडेंट है, ये सब्सिडाइज एजुकेशन है, जिसमें गरीब भी पढ़ सकता है, अमीर भी पढ़ सकता है, सरकारी अनुदान में कॉलेज चलते हैं। लेकिन अभी जो हुआ है, कॉलेज ही बंद पड़ गया है। कॉलेज बंद पड़ने में सेंट्रल, स्टेट दोनों सरकार का बहुत बहुत चिंता पड़ा है कि क्या होएगा, कैसे इसको संभालेंगे, कैसे इसको आगे लेके जाएंगे। तो बहुत सर्कुलर सरकार ने इसके बारे में छोड़ा है, सरकार ने बहुत आदेश, सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश आता है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बोलना चाहता है कि एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन, ये दो भाग में है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है UGC का तरफ से आता है, स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटी का तरफ से आता है। इन दोनों जगह का रूल्स रेगुलेशन में अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट UGC ने फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन के लिए जो होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट UGC का तरफ से वो आदेश आता है। तो आर स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से एक्ट है, हर स्टेट में एक एक्ट होते हैं एंड हर यूनिवर्सिटी में एक स्टैट्यूट होते हैं। ये दोनों प्रमाणे एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, ये सब चलते हैं। खाली महाराष्ट्र में नहीं, पूरा इंडिया में, कि UGC का जो सर्कुलर है वो पूरा इंडिया में फैला जाता है कि कैसा अपने को डिटर्मिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या सैलरी होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, ये UGC निर्णय करते हैं। बाकी सब जो है, एडमिशन कैसे होएगा, सिलेबस कैसे होएगा, ये सब स्टेट लेवल पे होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं। नाउ अभी बहुत सर्कुलर एक के ऊपर एक आया, फेब्रुआरी में पहला सर्कुलर आया कि आप लोग सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस सब बंद कर दो, कोरोना बहुत स्प्रेड हो रहा है, इससे आप बचेगा नहीं, अब बंद करो।
बंद करे यूजीसी ने बोला है फॉर द डिटर्मिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री स्टॉप हो गया। मार्च महीना में फिर सर्कुलर आया कि देखिए अभी एग्जाम नहीं ले सकता है, एग्जाम बहुत लेना बहुत डेंजर है, एग्जाम के लिए आपको बहुत तैयारी करना पड़ता है, बच्चे के लिए बहुत डेंजर है, आपने को एग्जाम अभी इंटरमीडिएट एग्जाम फर्स्ट ईयर से जो सेकेंड ईयर में जाएगा, सेकेंड ईयर से जो थर्ड ईयर में जाएगा, ये एग्जाम को हम नहीं लेंगे अभी, इसको बंद करने का है। दूसरा बात बोला है उसके बाद में कि ये जो टाइम आपको मिला है मार्च महीना में बोला है टीचर को, ये आपको इनोवेटिव काम पे लगाना चाहिए, आपको बहुत नया नया आइडिया करना चाहिए, आपको ऑनलाइन एडुकेशन लेना चाहिए, आपको ऑनलाइन सिस्टम में घुस जाना चाहिए, आपको ऑनलाइन लेक्चर देना चाहिए। ऑनलाइन सरकार का भेजा में घुस गया है, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होते हैं तो कुछ कुछ चीज़ तो ऑनलाइन में हम मान लेता है ना, एक बात कर रहा है ऑनलाइन में ही कर रहा है क्योंकि कोरोना के लिए कोई बाहर तो नहीं जा रहा है, लेकिन सरकार का आदेश था कि आप ये सब करो, लोगों को आया कैसे करेंगे, कॉलेज में ये सिस्टम नहीं है। फिर सरकार ही बोला है डोंट वरी आई एम क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म, मैं तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते आए, वो प्लेटफॉर्म स्वामी प्लेटफॉर्म है, वो भारत पांडे प्लेटफॉर्म है, वो जूम है, वो वेबिनार है, वो सब प्लेटफॉर्म में आप आ जाओ, आप उधर में खड़ा हो जाओ, बच्चे को हमने सब्जेक्ट देते आए, हमने एक्सपर्ट भी देंगे, उन्होंने बात करेगा, आप भी बच्चे को समझा दो कि क्या है प्रेजेंट एजुकेशन, कैसा एजुकेशन को बच्चे का काम पे आएगा। लेकिन बराबर इस काम पे लगा नहीं है, पहला तो है बच्चे को सिलेबस फॉलो होना चाहिए, सिलेबस बिना कोई आके कुछ भाषण करेगा बच्चे को थोड़ी इसमें फ़ायदा होने वाला है। यूजीसी भी समझ गया, सरकार का जो बड़ा ऑफिसर लोग है वो लोग धीरे धीरे समझ गया, ये जो लेक्चर होते हैं ये कुछ पर्पसिव लेक्चर होते हैं, कुछ पर्पस है इसको, कैसा योगा वाश करने का, कैसा कुछ कोई स्पेसिफिक एक रिलीजियस का बात बोलने का, इसमें जो अपना मूल बात है अपना एजुकेशन का ऑल इंक्लूसिव सेकुलर, ये बात उसमें उससे दूर पड़ती है। तो सरकार ने फिर भी एक सर्कुलर दिया अप्रैल महीना में कि तुमने कैरिकुलम को रिवाइज करो, कैरिकुलम को इस तरह से रिवाइज करना चाहिए कि जो कैरिकुलम तुम ऑनलाइन भी चालू कर सकता है, एंड कैरिकुलम को रिवाइज करने का बाद तुमको ये करना चाहिए, उसका फीडबैक आपने को देना चाहिए कि कैरिकुलम कैसे तुम रिवाइज किया है। ये बहुत आश्चर्य बात है क्योंकि कैरिकुलम कौन रिवाइज करेगा, कैरिकुलम रिवाइज करने के लिए यूजीसी करेगा? नो, वो कर नहीं सकता। कैरिकुलम इज द प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी, सिलेबस का वो सिलेबस कमिटी होते हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज होते हैं, एकेडमिक काउंसिल होते हैं, उन्होंने ये कैरिकुलम को बनाते हैं, कौन सब्जेक्ट काटा जाएगा, कौन सब्जेक्ट रहेगा, कौन सब्जेक्ट को स्क्वीज करेगा, ये रिपोर्ट दिवस भर चर्चा होते हैं यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी में नहीं है, 49 यूनिवर्सिटी है, उसमें प्राइवेट है पब्लिक है, महाराष्ट्र में आज 49 में पब्लिक प्राइवेट मिला के है, 4872 कॉलेज है, 1972 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट है, सबका बोर्ड ऑफ स्टडीज है, सब बोर्ड ऑफ स्टडीज में वो काम करते हैं, 40 लाख स्टूडेंट्स है, 40 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर होते हैं ये सिलेबस के ऊपर कि तुम क्या सीखते आए, तुम क्या करते आए, और उसमें 1.51 लाख टीचर है जो इसमें जुड़ा हुआ होते हैं, इलेक्ट होके जाता है बोर्ड ऑफ स्टडीज में, उनके जो भी जानकारी है जो भी उनको अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग डालते हैं, न्यू डेवलपमेंट डालते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, करके सिलेबस बनाते हैं। लेकिन ये जो बोला है इसको हमने मानने के लिए डिफिकल्टी हो गया, कोई माना भी नहीं, सिलेबस तैयारी हुआ भी नहीं, ये एक डायरेक्शन सब आते गया है, डायरेक्शन का आधा डायरेक्शन फॉलो नहीं कर पाया है, लॉकडाउन चालू ही रहेगा एंड कॉलेज में, लेकिन सरकार एक बात बोला है टीचर को
तुमको कंटिन्यूअसली सेमिनार लेना चाहिए, वेबिनार में सेमिनार लेना चाहिए। डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन बोला तुम सेमिनार नहीं करोगे तो तुम्हारा नेक्स्ट प्रमोशन में वो आएगा। डीटीई डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बोलता है तुम्हें नया सिलेबस तैयारी करो, करके अपने को बताओ, क्योंकि तुमको ये सिलेबस नहीं तैयारी करेगा तो ऑनलाइन एजुकेशन में डिफिकल्टी हो जाएगा। तुमको ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा, तुमको सिलेबस बना के अपने सामने रखना पड़ेगा। यह इम्पैक्ट ऑन हायर एजुकेशन, इससे एजुकेशन से बड़ा हो गया टेक्नोलॉजी। एंड ये जो 1.51 लाख टीचर है उसमें लिया है कि काउंट मालूम नहीं है, बहुत कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर है जिसका काउंट नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर को मार्च के बाद ही मना कर दिया क्योंकि क्लासेस नहीं है, आपका ज़रूरत नहीं है। अभी ये सब सिलेबस भी बनेगा तो पढ़ाएगा कौन? पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए। हमने एक बार सर्वे लिया था, उस सर्वे में हम देखा था कि 50% पोस्ट वेकेंट है। हम सरकार को बोला तुम अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है, लेकिन जिधर में 50% लोग नहीं है, टीचर नहीं है, उसमें क्या परफॉर्मेंस होएगा? तुम अपॉइंटमेंट करो, देखो तुम परफॉर्मेंस कैसा होते हैं। सरकार बोला था जरूर करेंगे, लिख के दिया था मिनिस्टर, तत्कालीन मिनिस्टर लिख के दिया था कि हम अपॉइंटमेंट करेंगे, हम प्रोसीड्योर शुरू करेंगे, लेकिन प्रोसीड्योर शुरू नहीं हुआ। सरकार बदल हो गया, नया सरकार आया है, एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट में जो लोग काम करते थे आज वो लोग बाहर है। कॉन्ट्रैक्ट में जो लोग टीचर फुल्ली क्वालिफाइड होकर काम करते थे आज वो परजाई श्रमिक से कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका घर में भी खाना पीना, उसका घर में भी पढ़ाई, उसका घर में भी अपना हेल्थ, ये सब देखने के लिए पैसा नहीं है। ये जो पैसे का बात है, ये जो एम्प्लॉयमेंट का बात है, ये जो एजुकेशन एक सेक्टर है जिसमें एम्प्लॉयमेंट होते हैं, ये तो पूरा पूरी बंद पड़ा है। ये पूरा पूरी बंद पड़ने में सरकारी एक एक करके जो आदेश आया है, UGC का आदेश, ये पूरा आदेश, सेमिनार हुआ है, बहुत सेमिनार सबस्टैंडर्ड हुआ है, बहुत लोगों ने किसी किसी को बुलाते आए, बहुत बड़े बड़े लोगों को भी बुलाते आए, मीडियम साइज का लोगों को भी बुलाते आए, ऑर्डिनरी टीचर को भी बुलाते आए, जिनको जैसा जितना कैपेबिलिटी है वो ऑनलाइन भाषण करते आए। बस हो गया काम, तुम्हारा रिकॉर्ड हो गया, तुम्हारा अटेंडेंस हो गया, तुम्हारा प्रमोशन के खाता में छप्पा लग जाएगा कि तुम सेमिनार भी लिया है। ये है इम्पैक्ट ऑन हायर एजुकेशन। आधा सीट खाली है, खाली ही रहेगा ना फ्रेंड्स। ये है ये मुख्य बात, जो सरकारी आदेश पालन करने के लिए जो सरकार को जो प्रिपरेशन लेना चाहिए, सरकार को जो जो काम पहले करना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, वो सरकार किया नहीं है। ऑनलाइन करना चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, उसके में एक स्पेशल बैंक चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, ये सब कौन देगा? मैं ऑनलाइन का बात आपको को बोलना चाहता है क्योंकि मैंने गांव-गांव में फिरा है कॉमरेड्स, मैंने डिस्ट्रिक्ट में घुमा है, अपने को टीच स्टूडेंट से बात करने के लिए मैंने उसका आंसू देखा है कि उसको ऑनलाइन कितना डिफिकल्टी होते हैं। उसमें हम देखा है कि जो ऑनलाइन का बात आया है, ये ऑनलाइन अपना कंट्री में पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो जो एजुकेशन में 50% पोस्ट 50% सीट रिजर्व है, अनुदानित जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सरकारी अनुदान में चलते आए, उसमें 50% सीट रिजर्व है। वो 50% सीट रिजर्व जो है वो SC ST OBC के लिए है, उसको ट्यूशन फी सरकार से आते है, आना चाहिए टाइम पे, कभी टाइम पे नहीं आता है, बहुत बार धरना मोर्चा ये सब करके उनको पैसा छुड़ाना पड़ते हैं। तो अनुदान जब भी चलते हैं वो ये सब करेगा कैसे? उसको तो खाना पीना रहना ही सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। आज तो उसके लिए ये जिंदगी चला के लेने का यही सबसे बड़ा चैलेंज है। वो कैसे रखेगा कंप्यूटर? एक कंप्यूटर में होता नहीं है, बच्चा दो है तो दो कंप्यूटर चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए,
लेकिन ये जो एससी जनरली बहुत एससी फैमिली है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है, जिनके लिए ये बहुत बड़ा एक खतरनाक एक प्रस्ताव है कि हम ऑनलाइन पढ़ेंगे तो मेरे बच्चा पढ़ेगा नहीं। हम एक कॉलेज में बम्बई में पढ़ाते थे, 30 बरस पढ़ाया है, जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते थे, बाबा साहेब अम्बेडकर का कॉलेज है वो बच्चे लोग का माँ सुबह कुछ काम पे जाता था, डोमेस्टिक वर्कर, तो वो डोमेस्टिक वर्कर का सपन होते थे, सबका एक सपन होते हैं कि मेरे बच्चे भी एक दिन ग्रेजुएट हो जाएगा, हो भी जाता था। जब बाबा साहेब वो कॉलेज को स्थापना किया था तभी उनको भी लगा था हमारा जो गरीब बच्चे है जो कभी कॉलेज नहीं जा सकता है वो भी एक कॉलेज में आएगा, मैं सबसे अच्छा टीचर रखूँगा, सरकारी अनुदान में कॉलेज चलेगा। ये कॉलेज में बहुत स्टूडेंट बड़े बड़े जगह में वाइस चांसलर से शुरू करके कलेक्टर से शुरू करके बहुत बड़े बड़े पोस्ट पोजिशन में गए हैं, लेकिन आज वो एडुकेशन का बाहर पड़ रहा है क्योंकि उसके लिए ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। बच्चा ये गरीब बच्चे लोग इन कॉलेज में ही पढ़ते थे लाइब्रेरी में, क्योंकि बम्बई का एक ट्रेडिशन है, पार्क में पढ़ते आए, झाड़ का नीचे बैठ के पढ़ते आए, यूनिवर्सिटी लॉन में जाते आए, क्योंकि घर में जगह नहीं है, छोटा घर झोपड़पट्टी में रहते हैं, कैसे बैठ के पढ़ाई करेगा। रात को 8-8:30 बजे तक वो लाइट यूनिवर्सिटी का राजा भाई टावर का लाइट में वो लोग पढ़ाई करके वापस जाते थे। खाली खाली इधर का बच्चे नहीं आए, बाहर का जो बच्चे आते थे वो लोग भी ऐसा ही पढ़ाई करते थे, उनके पास ये सब फैसिलिटी कहाँ से होएगा। फैसिलिटी होएगा, फैसिलिटी बनाएगा, फैसिलिटी लेगा तो ज़रूर कर सकता है ये सब, वो कुछ कमी नहीं है किसके लिए, लेकिन आज वो नहीं है करके वो एजुकेशन का बाहर पड़ रहा है। जो ऑल इंक्लूसिव एजुकेशन द पोस्ट इंडिपेंडेंट में राधा कृष्णन कमिटी बनाया था, चटर्जी कमिटी बनाया था, वो कमिटी का पहला लाइन था ऑल इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें कास्ट नहीं आए, क्रीडेंशियल नहीं आए, कुछ भी नहीं है, सब मिला जुला के एक क्लासरूम होएगा जिसमें एक टीचर खड़ा होकर बच्चे को आँखों के साथ आँखों मिला के पढ़ाई करेगा, सिखाएगा। ये खाली सर्कुलर से वो नहीं होएगा। मुझे लगता है एक एक करके जो ऑनलाइन का चल रहा है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, एंड वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है करके बच्चे बहुत हताश है। जो बच्चे रत्नागिरी का पहाड़ में पहाड़ी साइड में रहते हैं, सिंधुदुर्ग का नदी का किनारे में बैठा रहते हैं, दिन भर वो खेती में काम करके शाम को आके सोचता है अभी तो मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, एडमिशन विल बी ए वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर देम, उन्होंने एडमिशन ले ही नहीं पाएगा क्योंकि पैसा किधर है, पैसा किधर है एडमिशन लेने का, एग्जाम फी देने का पैसा किधर है, ये एक प्रॉब्लम है। उनको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा अभी वो है ड्रॉप आउट। जो बच्चे एडमिशन लेते थे, जो बच्चे पास होते थे, जो बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाते थे, वो अभी पूरा बच्चे आ नहीं पाएगा क्योंकि उसके खाना नहीं है, राशन नहीं है, ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं है, बुक का पैसा नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है जो लेके वो कॉलेज में जा सकता। अभी अभी सबसे बड़ा सरकार के सामने जो चैलेंज है, जो उनको करना चाहिए, जो स्टूडेंट्स के लिए एक पैकेज तैयारी करना चाहिए जिसके से उसको कुछ पैसा मिलेगा, जिससे से उसको बुक मिलेगा, जिससे उसको बाकी कुछ सहायता मिलेगा, वो कॉलेज में वापस आ सकता। फ्रेंड्स, खाली ये बात नहीं आए, सबसे बड़ा जो हीच अभी तैयारी किया है, जो हीच अपना कॉलेज का प्रीमाइसेस से चलेगा हाईकोर्ट में, वो है एग्जामिनेशन। वो एग्जामिनेशन के बारे में मैं 2 पॉइंट बोलना चाहता है। महाराष्ट्र में ये एग्जामिनेशन का बात चल रहा है। पहले बात क्या है, पहले जब यूजीसी ने सर्कुलर दिया था जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को पहले प्रमोट करो, फर्स्ट ईयर को सेकेंड ईयर में करो, सेकेंड ईयर को थर्ड ईयर में करो, उनको मार्कशीट दे दो, उनको क्लासेस चालू करो, थर्ड ईयर का बाद में देखेंगे। अप्रैल मई महीना का 8 तारीख को बोला गया है कि अभी मार्कशीट दे दो इनको जो प्रमोट हो गया, जून में हम डिसाइड करेंगे फाइनल एग्जाम लेने का कि नहीं ले। 19 जून तरीके महाराष्ट्र सरकार ने बोला फाइनल एग्जाम नहीं होने का, कैंसल फाइनल एग्जाम। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का चिट्ठी में वो बोल सर्कुलर में वो बोला है क्योंकि अपने परिस्थिति नहीं है एग्जाम लेने का, एक कोरोना सेंटर क्वारंटाइन सेंटर हो गया, सब रास्ता में घाट में स्टेशन में सब जगह में कोरोना पेशेंट,
हॉस्पिटल के सामने बैठा है कोरोना पेशेंट, गांव में घूमता है कोरोना पेशेंट, इसके साथ में बच्चा एग्जाम देगा कैसे? कम से कम 3 महीना का तैयारी चाहिए। 10 लाख बच्चा फाइनल ईयर का एग्जाम देने का है बॉम्बे यूनिवर्सिटी का, खाली 10 लाख। 10 लाख का तैयारी करने के लिए 3 से 4 महीना लगते आए, तो सरकार बोला पॉसिबल नहीं आए, एग्जाम कैंसिल हो गया जून में। सब लोग सरकार को बोला तुमने ठीक ठाक डिसीशन लिया, 6 सेमेस्टर एग्जाम में 5 सेमेस्टर तो उन्होंने दिया गया है, खाली एक ही सेमेस्टर बाकी है, उसका भी गाइडलाइन UGC ने दिया था, इसका नहीं फाइनल का नहीं कि 50% उसका ये करो जो वो एग्जाम 5 एग्जाम दिया है, और 50% उसको बाकी काम का असेसमेंट करके मार्कशीट दो। मार्कशीट तुमको देना ही पड़ेगा, मार्कशीट नहीं देगा तो कोई जॉब नहीं मिलेगा उसको, वो जॉब उसके लिए एक प्रोविजनल मार्कशीट बच्चे का हाथ में होना चाहिए। बाद में जब कोई परिस्थिति आएगा किसी को एग्जाम देना ही है तो उसको तुम अपॉर्चुनिटी ऑप्शन ओपन रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है 19 जून का सर्कुलर महाराष्ट्र का, ये मान लिया है सब लोगों ने, तैयार हो गया है। 6 जुलाई को UGC ने डायरेक्टिव इशू किया, बहुत बड़ा डायरेक्टिव UGC ने दे दिया है। ये डायरेक्टिव में लिखा गया है एग्जाम लेना ही है, वो एग्जाम 30 सितंबर तक होना चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम को कैंसिल किया उसको ओवर रूल करके UGC ने नया सर्कुलर इशू किया। कैसे लेगा तुम एग्जाम? तुमको मालूम है UGC, तुमको मालूम है कितना हजार लोग चाहिए एग्जाम लेने के लिए, कितना क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए, बंडल गट्ठा गट्ठा लेके गांव में पहुंचाना चाहिए, वो एग्जाम पेपर लेके शहर में आना चाहिए, करेक्शन सेंटर में पहुंचाना चाहिए, ये सब तो जो काम पे है वही जानते हैं, लेकिन वो बोला नहीं एग्जाम लेना चाहिए, एग्जाम लेना है, ये बात UGC का है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको विरोध कर रहा है, बहुत स्टेट गवर्नमेंट ने बोला एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है। अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, अभी ये कॉन्फ्लिक्ट अभी कोर्ट में है, ये सब जुडाइज है, वो कोर्ट डिसीजन लेगा कि एग्जाम होने वाला है कि नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स, ये कोरोना का इम्पैक्ट है, कोरोना का इम्पैक्ट और भी बहुत है, पूरा जॉब मार्केट क्लोज हो गया, सर्विस सेक्टर जो छोटी मोटी सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जो रखते थे वो अभी नहीं रख सकता है, उसका खुद का इनकम नहीं है, तो बच्चे का जो पार्ट टाइम जॉब था वो जॉब वो नहीं मिलेगा। जो फुल टाइम जॉब के लिए तैयारी है उसको अपॉइंटमेंट का मिला था, अभी उसको चिट्ठी आया कि ये साल में अपॉइंटमेंट दे नहीं सकता है, वी हैव बॉट पॉसिटी ऑफ फंड नहीं आए तुमको सैलरी देने के लिए, तो जॉब मार्केट उसको ख़त्म हो गया, जॉब वो ले नहीं सकते। जो बच्चा बाहर 60,000-70,000 लाखों के ऊपर बच्चा हर साल में बाहर जाता है, बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, ये बार वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया है क्योंकि उसको रिजल्ट ही नहीं आया ना, रिजल्ट आएगा तब तो फॉर्म फिलअप करेगा। लॉकडाउन उधर भी चल रहा है, उधर भी सब यूनिवर्सिटी बंद है, वो भी उसको भी बहुत फारलॉन्ग में भेजा है टीचर को, जाओ तुम छुट्टी पे, अभी तुमको नहीं चाहिए क्योंकि हमारा स्टूडेंट्स आएगा, स्टूडेंट्स पैसा भरेगा तब तो हम तुमको पैसा से पेमेंट करेंगे। इसके लिए मैं बोला है ये खाली एक देश का समस्या नहीं है, ये पूरा दुनिया का समस्या है। ये समस्या का एक सबसे बड़ा भाग एडुकेशन के ऊपर आया है कि एडुकेशन के ऊपर जो फ्यूचर है वो फ्यूचर के ऊपर अंधेरा दिखाई पड़ते हैं। अभी एग्जाम लेके ये कंट्रोवर्सी हाईकोर्ट डिसीजन करेगा, जो करेगा जो डिसीजन आएगा वो अपने को यूनिवर्सिटी के ऊपर आएगा, यूनिवर्सिटी मानेगा। लेकिन ये छोड़ के भी जो बच्चा 11 स्टैंडर्ड अभी जाएगा 10वीं पास होके, वो 11 स्टैंडर्ड कब जाएगा, जो 12वीं पास होके फर्स्ट ईयर में जाएगा वो कब जाएगा, उसका क्लास कब शुरू होएगा, उसका प्रैक्टिकल कब शुरू होएगा, कब उसको पढ़ाई शुरू होएगा, पढ़ाई नहीं होते होते बच्चे घर में बैठ के उदास होके एक डिप्रेस्ड क्लास तैयारी हो गया, जो कोरोना का इम्पैक्ट है। लेकिन ये इम्पैक्ट को निकालने के लिए सरकार को जो पैकेज लेके आना चाहिए, जो तुम किसान को कुछ पैकेज दिया है, जो को परजाई श्रमिक को कुछ पैसा दिया है, लेकिन इनके लिए कुछ क्यों नहीं दे रहा है? यही तो तुम्हारा कंट्री का फ्यूचर है, यही तो तुम्हारा आगामी दिन है, ये आगामी दिन के लिए तुमको ये बच्चे के लिए पूरा फुल पैकेज देना चाहिए, जो पढ़ाई कर सकता है। आज नहीं कॉलेज में गया, लेकिन जब भी वो आउट ऑफ कोरोना होएगा धीरे धीरे करके, एंड उसके लिए जो हेल्थ के लिए जो देना चाहिए, ऑल स्टूडेंट शुड गेट फ्री हेल्थ चेकअप,
इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड द मेडिसिन। जे नहीं मिलेगा तो बचेगा कैसे? जो उसका राशन नहीं मिलेगा तो खाएगा क्या? बुक्स नहीं मिलेगा तो पढ़ेगा कैसे? तो ये सब लेके धीरे धीरे करके जो लाइफ धीरे धीरे शुरू होने को जाता है, कोरोना का जो इम्पैक्ट, जो फिजिकल इम्पैक्ट है, जो बीमारी है, वो बीमारी के साथ लड़ने के लिए दुनिया में सब कंट्री में चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है। इंडिया में भी वायरस बनाने के लिए पुणे का इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। हम कभी पीछे नहीं था क्योंकि हमारा एजुकेशन बराबर था। आज जो काम इधर हो रहा है उसको पढ़ाई इधर ही हुआ है। आज जो बच्चे अमेरिका में जाके कुछ काम पे लगा है वो बच्चा इधर से पढ़ाई करता है। आईआईटी में जो इंजीनियर तैयारी होता है वो दुनिया में कहाँ भी जा सकता है। आईआईएम में जो मैनेजमेंट के एम्प्लॉय है वो सब जगह में काम कर सकता है। मेडिकल डॉक्टर्स इंडिया का सबसे सबसे अच्छा डॉक्टर बनता है हॉस्पिटल चलाने के लिए अमेरिका का, यूरोप का। तो मुझे बोलने का है ये जो सिस्टम बना है ये सिस्टम को बचा के रखने का, ये बचा के रखने के लिए सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर नजर देना चाहिए। और ये जो 25 लाख जो नौजवान हैं उनको भी बचा के रखना चाहिए, उसका हेल्थ के ऊपर, उसका मन के ऊपर, उसका स्वास्थ्य के ऊपर। आप बोलते हैं भारतवर्ष नया हो जाएगा, नया होएगा जब ये लोग ठीक ठाक बचेगा, इसका एडुकेशन हो जाएगा, इसका सब कुछ मिलेगा, तब हम बोलेंगे हम लोग भी इसका बाहर पड़ा है, हमारा भी कोई आशा है कि हम भी आगे बढ़ के दुनिया का एक कंट्री हो सकता है। नहीं तो हमको खाली बातों में कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार।